हेलो 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 हाय, वेलकम बैक टू उड़ान डिजिटल। उड़ान डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 का 5.2 डिस्कस किया था, जिसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कवर हो चुके थे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, सॉरी 14, 13 तक हो चुके थे, 14 है। तो क्या लिखा है 14 में? क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है साहब कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ फोर, चार के कितने मल्टीपल हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं, 10 और 250 के बीच में आने वाले चार के मल्टीपल कितने होंगे? तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फोर, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फोर, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फोर, मल्टीपल ऑफ फोर ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा चार का जो मल्टीपल होगा, चार के टेबल में आने वाला नंबर जो होगा वो क्या होगा? 12 होगा। 12 चार के टेबल में आता है, फोर के टेबल में आता है, और वो 10 से बड़ा है, ठीक है। तो ये सबसे पहला नंबर होगा जो फोर का मल्टीपल होगा और फोर के टेबल में आ रहा होगा और 10 से बड़ा होगा, ठीक है। और लास्ट मल्टीपल होगा, लास्ट मल्टीपल ऑफ, ठीक है, लेस देन, लास्ट मल्टीपल ऑफ फोर लेस देन, लेस देन 250, 250 से छोटा लास्ट मल्टीपल, एल बराबर, एल को हम एन भी कह सकते हैं, वो होगा 248। 248 जो होगा वो, वेरी गुड वर्निक, सबसे लास्ट टर्म होगी जो फोर से डिवाइड होगी, और हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। और चूंकि ये मल्टीपल ऑफ फोर है इसलिए कॉमन डिफरेंस जो होगा डी, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ फोर में जो डिफरेंस आएगा वो फोर का ही आएगा। अब हमें क्या क्या चीजें पता है? हमें पता है एक तो ए एन, हमें पता है ए, हमें पता है डी, हमें ये तीन चीजें पता है। तो हम लोग लगाएंगे, सर वी नो दैट ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन मतलब लास्ट टर्म, 248 इज इक्वल टू, ए कितना है हमारे पास? ए हमारे पास है 12, प्लस एन हमें पता नहीं है, और डी हमारे पास है 4। ये 12 इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 248 में से 12 माइनस करोगी तो यहां पर बचेगा एन माइनस वन इंटू फोर, ठीक है। 248 में से 12 घटाओ तो 236 आएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू फोर। ये जो 4 है ये डिवाइड में आ जाएगा, 4 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो 4 अगर डिवाइड में जाएगा तो एन माइनस वन इक्वल टू 236 अपॉन में क्या आ जाएगा? 4, 4 डिवाइड में आ गया, ठीक है वर्णिक, विनय, 4 कहाँ गया? डिवाइड में। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो एन माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा 4 5 20 और 4 9 36, ठीक है। तो एन इक्वल टू आ जाएगा 59 प्लस वन, तो एन इक्वल टू हो गया 60, 60। कहने का मतलब चार के जो मल्टीपल होंगे है ना, तो मल्टीपल ऑफ फोर, नंबर ऑफ मल्टीपल, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ फोर बिटवीन
10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में जो नंबर ऑफ मल्टीपल होंगे 4 के, वो कितने होंगे? वो होंगे साहब 60। यही आपका आंसर, 60। 60 नंबर ऐसे होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे, 4 से डिवाइड हो रहे होंगे, और 4 से डिवाइड हो रहे होंगे और 10 और 250 के बीच के होंगे। ठीक है भाई, ठीक है भैया। चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? तो 15 में लिखा है, 15 में लिखा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर एंथ टर्म ऑफ एपी एंड दिस। आपके पास दो एपी हैं, एक एपी देखो आप दिखिए स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है एक एपी है 63, 65, 67, और दूसरी एपी है 3, 10, 17। तो इन दोनों की nth टर्म जो होगी वो इक्वल होगी। मतलब हमारे पास गिवन एपीज क्या है, सबसे पहले लिखो गिवन एपीज। तो पहली एपी हमारे पास है 63, 65, 67, और ये जा रही है। दूसरी एपी हमारे पास 3, 10, 17, और ये भी जा रही है। ये दो एपी, तो ये कह रहा है कि इसमें कहीं आगे एक nth टर्म आएगी, इसमें भी कहीं आगे एक nth टर्म आएगी, और ये दोनों बराबर होगी। ये दोनों क्या होगी? बराबर होगी। तो अब वो कौन से नंबर की दो टर्म होगी दोनों एपी की, इस एपी में और इस एपी में, दोनों में कौन से नंबर पर एक ऐसी टर्म आएगी जो बराबर होगी? ठीक है, जो कि क्या होगी? बराबर होगी। तो हमने मान लिया लेट nth टर्म, इसने बोला है ना, इसने बोला है कि गिवन में क्या हमें nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, nth टर्म ऑफ दिस एंड दिस इक्वल, दोनों एपी की जो nth टर्म है इक्वल इसने बोला है। तो हमें एक बात और उसने गिवन दी है कि दोनों एपी की जो nth टर्म होगी, ठीक है, सबसे पहले देखो कि फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहली टर्म की, पहली एपी की पहली टर्म क्या है? पहली एपी की पहली टर्म क्या है? ए बराबर 63 है ना। कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी, पहली एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? इसको मैंने D1 बोल दिया। पहली एपी का कॉमन डिफरेंस जो है वो D1 है, और वो कितना है? 65 माइनस 63 मतलब 2। पहली एपी का पहला टर्म 63 और वर्णिक कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। ठीक है, ठीक है मन। चलो दूसरी एपी की बात करें तो फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, दूसरी एपी की सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म जो है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे एक्स से, एक्स। तो ये हमारे पास कितनी है? 3। और कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी, दूसरी एपी का जो कॉमन डिफरेंस है डी बराबर, इसको हम D2 बोलेंगे, वो कितना है? 10 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 7। ठीक है, ठीक है भाई। आर्यन, वेरी गुड। चलो भाई, अब इसने कहा है कि दोनों एपी की, इस वाली एपी का nth टर्म और इस वाली एपी का nth टर्म इक्वल है, तो n का वैल्यू क्या होगा? तो हमें ये गिवन है, हमें है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इसने बोला फर्स्ट एपी का nth टर्म बराबर है सेकेंड एपी के nth टर्म के। इसने कहा है कि फर्स्ट एपी का जो nth टर्म है वो बराबर है सेकेंड एपी के nth टर्म के। फर्स्ट एपी का nth टर्म जो है वो इक्वल है सेकेंड एपी के nth टर्म के। तो फर्स्ट एपी का nth टर्म क्या होगा सर? ए प्लस ए प्लस ए प्लस
एन माइनस वन डी वन, इसका जो डिफरेंस है वो डी वन है, और सेकेंड एपी का क्या होगा एक्स प्लस एन माइनस वन डी टू, ये होगा हाँ या ना, वेरी गुड एक्सलेंट। चलो तो ए हमारे पास क्या है, ए का वैल्यू हमारे पास क्या है 63, तो यहां मैंने लिख दिया 63 प्लस एन मुझे मालूम नहीं है और डी वन मेरे पास है 2 इज इक्वल टू एक्स मेरे पास क्या है 3 एन माइनस वन और डी टू मेरे पास क्या है 7। सॉल्व करो 63 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 7, तो 63 में से 2 माइनस करो तो 2n और ये बचेगा आपका 61 इज इक्वल टू 3 में से 7 माइनस करो तो 7n है आपके पास, 3 माइनस 7 माइनस 4, n को इधर ले जाओ तो 2n 7n ट्रांसफर होकर इधर आ गया तो 7n बराबर इधर माइनस 4 पड़ा हुआ है, ठीक है इधर माइनस 4 पड़ा हुआ है और ये 61 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो यहां पर बचेगा आपके पास माइनस 5n और यहां हो जाएगा माइनस के 65, दिस से दिस को उड़ाया और 5 से इसको उड़ाएंगे तो n इक्वल टू आएगा 13, तो इसका मतलब कि 13th टर्म होगी 13वें नंबर की टर्म होगी जो दोनों एपी की क्या होगी बराबर होगी, 13th टर्म होगी 13वें नंबर की एक टर्म होगी जो क्या होगी बराबर होगी, ठीक है 13th टर्म जो होगी वो बराबर होगी n इक्वल टू 13, n इक्वल टू 13, 13वें नंबर की जो टर्म होगी वो क्या होगी बराबर होगी, ठीक है तो आप लास्ट में वेरी गुड दक्ष 13, तो आप लास्ट में लिख दोगे दैट इज 13th टर्म of both APs are equal, both APs are equal, दोनों AP की 13वें नंबर की जो टर्म होगी वो इक्वल होगी, आप चाहो तो A13 निकाल लो, आप चाहो तो निकाल के देख लो, आपका अगर अंतरात्मा कहती है कि सर मैं निकालूंगा तो आप A13 निकालो और X13 निकालो, पहली AP का 13वां पद और दूसरी दोनों ही बराबर आएगा, अगर आप करोगे तो दोनों ही क्या आएगी बराबर आएगी, कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर ले, वीडियो में एक बात आप बताएं सभी, क्या जो क्लास चल रही है उसमें आपको वॉइस क्लियर आती है या कोई इशू आता है, कम आ रही है ज्यादा आ रही है, अटक अटक के आती है, रुक रुक के वॉइस आती है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ बच्चों का ऐसा कहना था कि सर आपके वीडियो में वॉइस ठीक से नहीं आती, तो वो क्लास में कहां जाते हैं, वो यहां कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कि वो क्लास में होता ही नहीं है, फिजूल में बहाने बना रहे सर वॉइस नहीं आ रही है, क्योंकि जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं उनको वॉइस और वीडियो मुझे लगता है दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है चलो वेरी गुड, या ऐसे इरिटेट कि आप हेडफोन लगा के बैठे हो, सारे बच्चे हेडफोन लगा के बैठते हैं क्या? अगर आप हेडफोन लगा के बैठे हो तो क्या ऐसा लगता है कि आपको वॉइस इरिटेट कर रही है, कोई बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है कोई दूसरा, ठीक है, या मेरी वॉइस बहुत इरिटेट कर रही है, ऐसा कुछ है? मुझे ऐसा लगता है सही आवाज आती है पर कुछ बच्चों को बोलना होता है दिक्कत आती है। वेरी गुड चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वेरी गुड चलो, सारे बच्चे एक्टिव लगते हैं, कमेंट आता है उससे लग जाता है कि बच्चे एक्टिव हैं जो क्लास में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ठीक है, डिटरमाइन द एपी, ठीक है, हुज थर्ड टर्म इज 16, मैंने लिखा सॉल्यूशन, साथ में ही हो सके तो नोट कर लिया करो, थर्ड टर्म A3 इक्वल टू 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, सेवेंथ टर्म इज एक्सीड मतलब ज्यादा, किससे, फिफ्थ टर्म से, कितनी ज्यादा है 12 ज्यादा है, ये कह रहा है वो, तो आप बताओ अगर मैं A7 माइनस A5 करूं, ये A5 इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 12, ये बात सबको समझ में आ गई, इसने कहा था कि सर सेवेंथ टर्म जो है वो एक्सीड करती है, एक्सीड करती है मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है
A5 से कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो A7 जो है वो A3 से 12 ज्यादा A5 से, ठीक है, A5 से 12 ज्यादा है, वेरी गुड, वेरी गुड वर्णिक दक्ष। A7 में से A5 माइनस करेंगे तो 2D आएगा, 2D बराबर कितना आ गया 12, दिस से दिस को उड़ाया तो D बराबर कितना आ गया 6, D कितना आ गया हमारा 6। और इसने बोला डिटरमाइंड AP, हमें AP पता करना है, इस बार AP हमें दिया ही नहीं है, हमें वो AP पता करना है, वो सीरीज पता करना है, ठीक है, तो हमें चाहिए A। अब हमें ये भी तो गिवन है, सबसे पहली चीज हमें पता है A3 जो है वो 16 है, A3 क्या है 16 है, ये हमें गिवन था। A3 का मतलब होता है A+2D = 16, A3 का मतलब होता है A+2D = 16, ठीक है। अब A+2D हमने निकाला, तो अगर हम लोग A+2D का वैल्यू कितना है 6 = 16, तो A+12 = कितना हो जाएगा 16, 12 ट्रांसफर होगा तो A = आ जाएगा 16 - 12, तो A = आ जाएगा बेटा 4, मतलब आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी आ गई, 4 आ गई, फर्स्ट टर्म आपके पास जो है वो 4 आ गई। अब हमें AP निकालना है, दैट इज जो AP होगी उसमें फर्स्ट टर्म आ गई, A2 क्या हो जाएगा हमारा, अगर हमें A2 निकालना हो तो A2 होता है A+D, और A का वैल्यू कितना है 4 और D का वैल्यू कितना है 6, तो आंसर कितना आ गया 10। ऐसे ही अगर हमें A3 निकालना हो तो A+2D, A का वैल्यू कितना है 4, 2, D का वैल्यू कितना है 6, तो आंसर आएगा कितना 16, ठीक है। दैट इज हमारे पास जो AP आया, दैट इज रिक्वायर्ड AP, जो हमें श्रेणी जो सीरीज चाहिए थी वो क्या होगी, रिक्वायर्ड AP क्या होगी, पहली टर्म क्या आई, पहली टर्म आई साहब 4, दूसरी टर्म क्या आई, दूसरी आई हमारे पास 10, तीसरी क्या आई 16, तो अगली क्या आएगी 22, और ऐसे आगे चलती जाएगी, बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गई, AP मिल गई, कॉपी कर लो, कॉपी करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेटा, कमेंट में आपके देख रहा हूँ, है ना, जितने भी बच्चों के जो भी कमेंट्स आते हैं मैं उनको केयरफुली पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि किसी का कमेंट मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17, 17वां सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है देखो, लिखा हुआ है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, अच्छी बात क्या है यहां पर, फ्रॉम द लास्ट पूछा है, तो जब भी हमसे फ्रॉम द लास्ट पूछा जाए 20 टर्म, क्या पूछा जाए, nth term फ्रॉम द लास्ट, अंतिम से nवां पद, nth term फ्रॉम द लास्ट, अगर हमसे लास्ट से nth term पूछी जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन के उसमें क्या होता था, हम स्टार्टिंग से A1, A2, A3 होता था, है ना, पांच नंबर पर A5, पर अभी हमसे उसने लास्ट से पूछ लिया, पीछे से 20वां, लास्ट से, तो लास्ट से जो 20वां टर्म होगा वो उसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो इसको आप लिखोगे LN, लिख दो LN, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट को आप लिख दोगे LN, मतलब nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। इसको मैंने डिफाइन किससे कर दिया, LN का मतलब हो गया आखिरी से nवां पद, आखिरी से nवां पद LN, कैपिटल LN लिख दो ऐसा लगे तो, या स्मॉल LN लिख दो LN, ठीक है। तो मैंने लिख दिया LN फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू, ठीक है,
चलो ए एन ही लिखो, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, ए एन ही लिख लो। ए एन पर यहां पर मैंने डिफाइन कर दिया कि इस बार जो ए एन है वो फ्रॉम द लास्ट है, फ्रॉम द लास्ट। एल एन मत लिखो, छोड़ दो उसको, आर्यन, ए एन ही लिख लो। पर मैंने ऊपर लिख दिया अलग से कि मैं ए एन मतलब इधर से बात नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट मैं लास्ट से बात कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपके पास एल प्लस। देखो पहले क्या होता था फॉर्मूला, एंथ टर्म फ्रॉम द फर्स्ट से क्या होता था, ए एन होता था ए प्लस एन माइनस वन डी। अब क्या हो जाएगा कि जब हम इधर से गिनते थे तो पहला पद कौन सा होता था, ए होता था, पर अब हमें लास्ट से काउंट करना है तो फर्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, लास्ट वाली हो जाएगी, जो लास्ट में वो फर्स्ट हो जाएगी। इसलिए हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, हमने एल लिख दिया। अब जब हम इधर से काउंट करते थे तो डी एड करते थे भाई, ए फिर ए प्लस डी फिर ए प्लस टू डी, उधर से करेंगे तो डी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, जो लास्ट टर्म होगी उसमें से डी कम करते आओगे, डी कम करते आओगे तो यहां पर डी प्लस का था तो यहां पर डी होगा माइनस का, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन डी। ये माइनस हो गया, यहां प्लस होता था, बस ये फर्क देखो आप, इस डिफरेंस को आप समझो कि जब फ्रॉम द लास्ट पूछे और फ्रॉम द फर्स्ट था तो ये था हमारे पास, जब फ्रॉम द फर्स्ट पूछा है फ्रॉम स्टार्टिंग से, ये फ्रॉम स्टार्ट है शुरू से, हमसे शुरू से पूछे तो हम फार्मूला ये यूज करते थे, पर अगर लास्ट पूछा है फ्रॉम द लास्ट तो हमें ये लगाना है। ठीक है बेटा, ठीक है भाई, अब बात समझ में आई थोड़ी सी, वेरी गुड। माइनस क्यों लगा देख लो यार, क्योंकि अब जब इधर से आप एपी में गिनते जाओगे तो डी एड कर रहे थे, जब आप फ्रॉम द फर्स्ट चल रहे थे तो डी हम एड करते जाते थे, एड करते जाते थे, जब वापस आएंगे तो डी को वापस माइनस करते करते आएंगे, इसलिए यहां पर प्लस होता था पहले, अभी क्या होगा माइनस होगा। तो ये फार्मूला हो गया हमारा। अब देखो जरा, हमें जो एपी गिवन है, गिवन एपी, गिवन एपी, ठीक है, गिवन एपी हमारे पास क्या है, गिवन एपी हमारे पास 3, 8, 13 और ये जा रही है, और 253, लास्ट वाला टर्म क्या, 253। तो हमें मिला ए इक्वल टू 3, डी क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 5 और लास्ट टर्म क्या हो गई हमारी ए एन, ठीक है 253। ये इसको लास्ट लिख दो इस बार, लास्ट टर्म 253, लास्ट टर्म क्या हो गई हमारी 253, सबसे आखिरी वाले नंबर पर 253 आता, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट जो होता है वो होता है l माइनस, प्लस नहीं माइनस, n माइनस वन डी, क्योंकि d माइनस होगा। तो nth टर्म a, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट हमें निकालना है, और हमें निकालना है 20 टर्म, तो a 20 हो जाएगा, a 20 है ना, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20 20 है, n की वैल्यू 20 है, पीछे से 20वां चाहिए हमें, और a n में क्या कह रहा हूं, वो पीछे से 20वां है, एन क्या है लास्ट से 20 टर्म है, एल लास्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, जो फर्स्ट टर्म, देखो अगर हम लास्ट से काउंट करेंगे तो लास्ट वाला नंबर फर्स्ट हो जाएगा, तो एल क्या आ जाएगा 253 माइनस एन, एन कितना है 20, 20 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19, और डी कितना है हमारे पास, एक काम करना भैया, डी को यहां पर क्या करना, जो है वही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने यहां ऑलरेडी माइनस कर लिया उसको, तो यहां पर डी क्या लिखोगे 5, आप माइनस 5 नहीं लिखोगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने फार्मूला जनरेट कर दिया उसका, डी जब पीछे से आएगा तो कम होते आएगा, तो वो जो कम की कहानी मैंने यहां पहले माइनस लगा लिया, तो आपको यही डेटा उठाना जो है, यही डेटा उठाना है, ठीक है। चलो तो बस यही आपका आंसर हो गया 253, ये माइनस हो गया 19 इंटू 5, तो 253 माइनस 95, माइनस करो आपको आंसर मिल जाएगा, तो ए 20 आ गया। ए 20 जो है इस बार फर्स्ट से नहीं है, ए 20 हम मान क्या रहे हैं, ए 20 हमारा लास्ट से 20 टर्म है, 20 टर्म है फ्रॉम द लास्ट। 98 क्यों भाई, 98 कैसे आ जाएगा भाई, 158 आएगा ना, 158 158 ठीक है, 158 होगा, ठीक है मन वर्णिक, तो क्या लिख देंगे, दैट इज लास्ट 20 टर्म
20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 20वां पद जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा 158. इस फार्मूले को बहुत अच्छे से समझना, है ना. जब भी फ्रॉम द लास्ट पूछा जाए तो हम लोग फार्मूला ये अप्लाई करेंगे. फ्रॉम द लास्ट पूछा जाए तो हम लोग फार्मूला ये अप्लाई करेंगे. ठीक है, किसी को डाउट हो तो बताओ. कास्वी और विशेष संकेड़िया फ्रॉम द TR पटेल पब्लिक स्कूल धनगांव, तुम लोगों को कोई डाउट है क्या कि जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है सब कुछ? मन, वेरी गुड. वर्णिक, ठीक है, चलो भाई मस्त. आर्यन को बड़ा मस्त लगा भाई, एकदम समझ में आ गया उसको, एकदम बताओ एकदम समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 18, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, अगर आएंगे तो 3 मार्क्स 4 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इन पर थोड़ा सा फोकस करना. 3-4 नंबर सीधे आपके कवर होंगे यहां से. क्या लिखा है? द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी, फोर्थ और एट्थ टर्म का सम, सॉल्यूशन लिखेंगे. गिवन है सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24. सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24. फोर्थ टर्म A4, ठीक है, और एट्थ टर्म A8, इन दोनों का जो सम है सीटी वाले भैया होन वो 24 है. ठीक है, सीटी पर ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं, पर यहां भी देना, जो लिखा है उस पर भी देते रहना, है ना मुन्ना. फिर बोला सम ऑफ सिक्स एंड टेन टर्म, छठवीं टर्म A6 और A10 को अगर जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, तो आएगा 44. ये दो बातें तुम्हें पता है. और तुमसे पूछा है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट थ्री टर्म मतलब A2 और A3 तुम्हें पता करना है. फर्स्ट थ्री टर्म A2 और A3 तुम्हें पता करना है. ठीक है, A2 और A3 तुम्हें पता करना है. चलो आइए कहानी को शुरू करते हैं. अगर बेटा एक काम किया जाए, ठीक है, मैं इनको सिंप्लीफाई करूं, ये जो गिवन है इसको सिंप्लीफाई करूंगा. ठीक है, A4 का मतलब होता है, पहले इसी को सॉल्व कर लो. ये दो बातें मुझे पता थी, एक तो ये बात पता थी और एक ये बात, तो मैंने पहले इसको सिंप्लीफाई किया. A4 का मतलब होता है मुन्ना, A4 का मतलब होता है A+3D, हाँ या ना, और A8 का मतलब होता है A+7D, और ये है 24. एड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2A+10D = 24, हाँ या ना, अरे हाँ या ना. 2 कॉमन लोगे तो बचेगा A+, या 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड किया तो A, इसको 2 से डिवाइड किया तो 5D, और इसको 2 से डिवाइड किया तो 12. कौन बच्चा बता देगा, कौन बच्चा बता देगा भाई कि ये क्या लिखा हुआ है? A+5D का मतलब क्या, क्या ये A6 नहीं हुआ? A+5D जो हुआ क्या वो A6 नहीं हुआ? A6 क्या होता है, A6 क्या होता है? अगर मैं तुमसे पूछ लूं बताओ A6 क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? A+5D. तो A+5D का मतलब ये नहीं हुआ कि वो A6 लिखा हुआ है, 6A नहीं, A6 छठवें नंबर का टर्म होगा वो, तो जो 12 है वो छठवें नंबर पर आ रहा है. ठीक है, चलो फिलहाल मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दिया. अलग अलग तरीके होते हैं चीजों के. A6 है वो, आप चाहो तो लिख सकते हो उसको A6, है ना. इधर आ जाओ, इसको देखो जरा आप,
ए सिक्स मतलब होता है ए प्लस फाइव डी, ए प्लस फाइव डी, और ए टेन होता है ए प्लस नाइन डी इज इक्वल टू 44। चेक करो ए और ए ऐड करोगे तो कितना आएगा विशेष 2a, 5d और 9d कितना हो गया 14d इज इक्वल टू कितना हो गया 44। सेम टू सेम दोनों उधर उधर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा a, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7d और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 22। इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को क्या करो सबट्रैक कर लो, सबट्रैक कर दो, क्या करो सबट्रैक कर दो दोनों इक्वेशन को, क्या करो आप सबट्रैक कर दो, ये मैं यहां लिख रहा हूं इसको भैया, है ना, मैंने लिख दिया एंड एंड, ये हो गई और एक ये है, ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट, या तो ऐसे कर लो देखो तुम्हें अगर ठीक लगे तो, दोनों ही चीजें सही हैं, हाँ वेरी गुड, एलिमिनेशन लगा दो आपको लगे तो, क्योंकि आपने एलिमिनेशन पहले सीखा हुआ है ना, या फिर एक काम और कर सकते हो, एक और कर सकते हो कि सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या ए सिक्स, ए सिक्स कितना आया 12, और इसका मतलब क्या हुआ ए एट, ए एट कितना आया 22। अगर मैं ए एट में से ए सिक्स को माइनस करूं 22 माइनस 12, ए एट 22 ए सिक्स 12, और इसका मतलब होता है 2d, तो 2d मेरे पास आ गया 10, तो d यहां से भी निकाल लोगे तुम 5। एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये तरीका हो गया, ये कितनों को समझ में आया क्या लिख रहा हूं। पर अगर ये नहीं करना है तो आपने चैप्टर 3 में एलिमिनेशन मेथड भी सीखा है, तो आपको जैसे यहां पर दिखा कि सर देखो यहां तो a, यहां पर दो दो अननोन चीजें हैं वेरिएबल हैं, और यहां भी दो अननोन चीजें हैं ये, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। सेकंड इक्वेशन ये रही हमारे पास ए प्लस 7d इक्वल टू 22, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास रही ए प्लस 5d इज इक्वल टू 12। जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो साइन बदलेंगे, साइन बदलेंगे, ये माइनस और ये माइनस, इसको इसको उड़ा दिया, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2d, और ये बचेगा आपके पास 10, तो d बराबर यहां भी आपके पास कितना आ जाएगा 5। तो दोनों ही जो आपके दिमाग में चल रहा हो वो आप कर सकते हो, दोनों ही चीजें सही हैं, दोनों ही चीजें सही हैं, ठीक है, दोनों ही चीजें अपने आप में सही हैं। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया क्या, हमने निकाल लिया साहब d। अब हमें अगर टर्म्स निकालने तो हमें a भी पता होना, तो a कैसे पता करोगे, तो सर ये d का वैल्यू या तो तुम यहां रख दो या तो यहां रख दो, जैसे मैंने फर्स्ट में रखा, तो पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर रखा तो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, तो क्या हो जाएगा a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। डी का वैल्यू मैंने क्या रख दिया 5 रख दिया, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा a इक्वल टू 12 माइनस 25, तो a इक्वल टू कितना आएगा माइनस के 13, a इक्वल टू कितना आ गया आपके पास माइनस के 13। तो अब आप ap निकाल सकते हो, अब आप एपी निकाल सकते हो, ठीक है, ए 13 आ गया, माइनस 13 आएगा बेटा वर्निक, ठीक है। अब तो एपी क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा ए टू, कितना आएगा बेटा ए टू कितना निकालोगे, ए टू क्या होता है ए प्लस डी, ए कितना आपके पास माइनस 13 और डी कितना है प्लस 5, तो आंसर कितना आएगा माइनस के 8। ऐसे आप ए 3 निकालोगे तो ए प्लस 2d, ए कितना है माइनस 13 और 2d मतलब 10, डी का वैल्यू 5 है तो 5 2 10, 5 2 10, तो आंसर कितना आएगा माइनस 3। इसका मतलब एपी क्या हो गया, एपी हो गया माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे ही जाएगी, ए फोर भी आप चाहो तो निकाल लो, आप चाहो तो ए फोर भी निकाल लो, ठीक है। एक बार है ना आराम से चीजों को देखा करो पहले, उसके बाद आप
वंस मोर वाली कहानी करो, एक बार खुद से दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर डाला करो मैं क्या लिख रहा हूँ चीजें, और खुद भी पेन कॉपी लेके बैठोगे ना तो समझ में आएगा। अगर पेन कॉपी लेके नहीं बैठे, ऐसे टाइम पास कर रहे हो सोफे पे लेट के, तो दिक्कत आएगी। इसलिए आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे हमेशा, ठीक है? हाँ देखो, दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, एक ये आ गई फर्स्ट और ये आ गई सेकंड। और जैसे ये दो आई तो मुझे लगा देखो x+5y, x+7y, हमें चैप्टर 3 में से पढ़ते थे कुछ, पर वहां एक्स वाई होता था, यहां पर ए डी है, यहां पर ए डी है। तो हमने क्या किया, इस सेकेंड इक्वेशन में से इस फर्स्ट वाली को माइनस कर दिया। सेकेंड इक्वेशन ये रही, फर्स्ट ये रही, इसको माइनस करेंगे, क्या किया हमने यहां पर, सब्ट्रैक्ट किया। क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन बदलते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, ये प्लस का और ये माइनस का। 7 में से 5 कम करोगे तो 2 आएगा, 22 में से 12 घटाओगे तो 10 आएगा, 2 से इसको उड़ा दोगे तो 5 आएगा, डी आ गया। अब इस डी की वैल्यू को या तो तुम यहां रख दो, या तो तुम सेकेंड इक्वेशन में रख दो, कहीं भी जहां मन करे। तो ए आ जाएगा, और ए आ गया तो फिर आप A2, A3, A4, A5 जो निकालना चाहो निकाल सकते हो, ठीक है? जो भी निकालना चाहो वो कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19, 19, तो 19 में है एक भाई साहब जिनका नाम है सुब्बा राव, नाम है सुब्बा राव। स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। कह रहा है कि सुब्बा राव नाम का एक व्यक्ति है, 1995 में उसकी सैलरी 5000 थी और हर साल इंक्रीमेंट होता है 200 रुपए का, मतलब 5000 थी, फिर 200 बढ़ के अगले साल 5200 हो जाएगी, फिर 5400 हो जाएगी, फिर 5400, फिर हो जाएगी 5600, फिर हो जाएगी 5800, फिर हो जाएगी 6000, फिर ऐसे बढ़ती बढ़ती कहीं जाएगी। तो कौन से साल में, कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी? कहने का मतलब ये है कि सैलरी ऑफ सुब्बा राव, सैलरी ऑफ सुब्बा राव इन 1995, पहले साल की सैलरी, पहले साल की सैलरी जो थी वो 5000 रुपए थी, और जो इंक्रीमेंट है वो डी है, वो कॉमन डिफरेंस है ना? तो इंक्रीमेंट ऑफ ईच ईयर, इंक्रीमेंट ऑफ ईच ईयर, इंक्रीमेंट ऑफ ईच ईयर, हर साल जो इंक्रीमेंट होगा, हर साल जो इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा? हर साल जो इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, तो उसे हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। 200 200 हर साल बढ़ती जाएगी, हर साल 200 सैलरी बढ़ती जाएगी, तो कॉमन डिफरेंस 2015, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 200। हाँ, जिसका आंसर आ गया उनको बधाई, और इसका नहीं आ रहा हो या जो समझना चाहता है वो शांति से चीजों को समझे, मैं क्या बोल रहा हूँ उनको सुने अच्छे से, ठीक है? सुनते चलोगे तो आपको चीजें याद रहेगी एग्जाम में। चलो अब देखो, फिर उसने कहा है कि हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि एट द एंड हमारी सैलरी 7000 हो जाए, मतलब लास्ट में 7000 कब हो जाएगी? तो मैंने लिख दिया एट द एंड या nth ईयर सैलरी आफ्टर एन ईयर, एन साल बाद, ये पहले साल की सैलरी थी, एन साल बाद उसकी जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी ए एन, सैलरी आफ्टर एन ईयर, बढ़ बढ़ के एन साल बाद कितनी सैलरी हो जाएगी, तो उसकी हो जाएगी 7000 रुपए, इतनी हो जानी चाहिए। तो ये कौन कितने साल बाद होगी, हमें एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है ए एन बराबर क्या होता है, वी नो दैट, वी नो दैट ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी।
एन मतलब हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी 7,000 हो जाए, शुरू में हमारी सैलरी थी 5,000, एन माइनस वन, और दो दो सौ बढ़ती है हर साल, 5,000 इधर आएगा तो 2,000 हो जाएगा, तो एन माइनस वन इंटू 200 एक तरफ ये बचा, अगर ये 5,000 इधर आएगा तो 7 में से 5 घटाओ 2 हो जाएगा, तो 2,000 किसके बराबर है, 2,000 किसके बराबर है, एन माइनस वन इंटू 2,000 के बराबर हो जाएगा, तो इधर क्या लिख दूं मैं, 2,000 लिख दूं क्या मैं ऐसा, अरे लिख दूं, ये 5,000 इधर गया तो माइनस हो गया, तो 7,000 में से 5,000 माइनस करोगे तो 2,000 बचेगा, इधर बचा 2,000 और इधर बचा एन माइनस वन इंटू 200, अब दोनों है बराबर, उधर लिखो या इधर लिखो, तो मैंने इसको इधर लिख दिया, अब 200 डिवाइड में आ जाएगा, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 2,000 में 200 से डिवाइड करोगे तो आप सभी को पता है क्या मिलने वाला है, एन माइनस वन इक्वल टू 10 आ जाएगा आपके पास, तो एन इक्वल टू हो जाएगा 10 + 1 मतलब 11, कितना आएगा 11, एन का वैल्यू आ गया 11, एन का वैल्यू कितना आ गया 11, एन का वैल्यू कितना आ गया 11, तो 1995 में, 1995 में उसकी सैलरी जो थी, उन्नीस सौ पंचानवे में उसकी जो सैलरी थी वो क्या थी, 7,000 थी, 5,000 थी, कितने साल बाद, 11 साल बाद, 11th ईयर, तो 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000, दैट मीन्स कौन सा ईयर होगा, सुब्बा राव, तो पूछा है कि इन विच ईयर, तो आप लिखोगे 1995 में, आप कितने साल ऐड करोगे, 11 साल, यहां पर एक बात ध्यान रखना, 11 साल आपको ऐड नहीं करना है, 1995 में उसकी सैलरी थी, अब बढ़ी कितनी, पहली बार में बढ़ के कितनी हुई आपकी, 96 में, तो आपको 95 में ऐड 11 नहीं करना, आपको 10 ही ऐड करना है, तो 2005 आएगा, ठीक है, आपको 10 ही ऐड करना है यहां पर, क्यों, क्योंकि एक साल तो ये खुद ही हो गया, एक साल तो ये खुद ही हो गया ना, 1995 वाला 11वें साल हो जाएगी, पर एक साल तो 95 वाला ही है, तो 10 साल और, ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे दैट इज 1995, ऐसे लिखोगे कि हिज इनकम बिकम 7,000, उसकी आय 7,000 हो जाएगी कब, इन 1995 प्लस 10, दैट इज 2005, 2005 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000, ध्यान रहे यहां पर आपको 11 नहीं जोड़ना है, 10 ही जोड़ना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 11 साल बाद, एक साल तो ये खुद ही हो गया, और 10 साल और, मतलब 11वें साल उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो 1995 में, 1995 का 11वां साल, तो एक तो 1995, 10 साल आपको और ऐड करना पड़ेगा, है ना, आपको 10 साल और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, आगे बढ़ते हैं, आज का जो एक्सरसाइज था हमारा, उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, क्या बोला है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75, हर वीक हर हफ्ते वो पैसे जमा करती है, सेव करती है, पहले वीक में 5 रुपए, फिर अगले वीक में 5 रुपए नहीं करेगी, 1.75 बढ़ा के सेव करेगी, मतलब 6.75 करेगी इन एंथ वीक, ऐसे एंथ वीक तक वो जमा करती है, और एंथ हफ्ते में, किसी हफ्ते में, ऐसे हफ्ते गुजरते गए, तो किसी हफ्ते में उसने जो सेविंग की वो 20.75 की, तो आपको बताना एन का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले तुम्हें समझना यहां ये होता है
है ना, मैं तो लिख दूंगा, तुम कैसे समझोगे ये देखो। सबसे पहली बार में इसने जो जमा किया कितने रुपए की है, 5 रुपए, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 रुपीज हो गई। और हर वीक वो बढ़ाएगी पैसे, इतने रुपए हर वीक बढ़ा लेगी जमा करने में, हर वीक इतने ज्यादा ज्यादा जमा करेगी। और एंथ वीक में, एंथ वीक मतलब AN, एंथ वीक में उसने कितने जमा किए, 20.75 रुपीज जमा किए। एक महीना, एक हफ्ता ऐसा आया जिसमें उसको इतने रुपए जमा करने पड़ रहे हैं, इतने हफ्ते गुजर चुके हैं। तो एन का वैल्यू क्या आ गई, वो कौन सा महीना, कौन सा वीक था जिसमें उसने इतने जमा किए। आपसे पूछा है कि वो कौन सा वीक था, कौन सा वो हफ्ता था जहां पर उसको इतने रुपए जमा करने पड़ रहे हैं इस हिसाब से। तो आप सभी को पता है, वी नो देट, वी नो देट, हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं, वी नो देट ए एन का जो वैल्यू है वो है 20.75, जबकि हमें पता है ए प्लस एन माइनस वन डी होता है 20.75। ए पहले वीक में 5 रुपए, एन मालूम नहीं है और डी है 1.75 इज इक्वल टू 20.75। ठीक है, अब ये जो 5 इधर माइनस होगा तो एन माइनस वन इंटू 7.5 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5। तो एन माइनस वन इंटू 7.5 इज इक्वल टू 15.75। ठीक है, माइनस करने पर आएगा तो एन माइनस वन इज इक्वल टू, एन माइनस वन इज इक्वल टू, एन माइनस वन इज इक्वल टू 15.75। और ये जो 7.5 था ये अपॉन में आ जाएगा, 1.75 था ना भाई, यहां पर 1.75 था, 1.75, 1.75, तो n माइनस वन हो जाएगा 15.75 अपॉन में 1.75। देखो यहां पर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहां भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो दोनों का डेसिमल गायब कर सकते हो आप लोग। ऊपर भी न्यूमरेटर में भी डेसिमल 2 डिजिट के बाद है और डिनोमिनेटर में भी डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो आप लोग उसको गायब कर सकते हो। तो आपके पास आएगा 1575 अपॉन में 175। डिवाइड करोगे इसको, इसको आराम से डिवाइड करोगे। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 3 15, 5 1 5, 5 5 25। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 5 3 15, 5 5 25। फिर से डिवाइड करता हूं 5 से तो 5 6 30, 5 3 15 और 5 7 जा, फिर 7 से करते हैं तो आंसर आता है 9। तो n माइनस वन इक्वल टू हो गया 9, n माइनस वन इक्वल टू कितना हो गया 9। ये डिवाइड आप आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेफ्ट हो गए थे तो ये गलती आपकी होगी भैया, लेफ्ट आपको होना ही नहीं है। तो ये हो गया n इक्वल टू n प्लस वन, तो n इक्वल टू कितना आ गया 10। मतलब 10 हफ्तों के बाद, 10 हफ्तों के बाद 10वें हफ्ते में उसको इतना जमा करना पड़ेगा। ये 10वें हफ्ते की सेविंग है। तो एक लाइन आप लिखोगे लास्ट में, क्या एक लाइन आप लास्ट में लिखोगे, क्या लिखोगे वो लाइन, दैट इज 10th वीक, दैट इज 10th वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। 10वें वीक में उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी। ठीक है,
अरे तो टाइम है तो क्या वंस मोर, वाह भाई गजब। वीडियो देखो दोबारा, वंस मोर मत करवाओ, दोबारा वीडियो देख लो एक बार, क्योंकि हर एक चीज मैंने बोली उसमें एक भी चीज ऐसे नहीं रही। देखो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा ना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तुम्हें जो भी टर्म्स होगी इनको सम करना, जैसे मान लो एक सीरीज है, एक दो तीन चार, और ये जा रही है और कहां तक गई, 101 तक, इसको जोड़ना है, इस सबको जोड़ना है, एक में दो, दो में तीन, तीन में चार, चार में पांच, 50, 51, 52, 53, 54, सबको जोड़ना है। तो ये हमें अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें सम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? सम। तो इसका जो सम आएगा वो आपके पास आएगा 51 * 101, 5151, एक से लेके 101 तक के नंबरों को तुम अगर जोड़ोगे, एक से गिनती शुरू करके 101 तक की संख्याओं को तुम जोड़ते हो, तो आंसर आएगा 5151, 5151। कैसे आया ये हम लोग सीखेंगे कल की क्लास में, ठीक है? ये कैसी चीजें समझ में आई ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि मैंने इतनी जल्दी आंसर कैसे दिया, है ना? ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे कल की क्लास में। देखो ठीक है, तो अभी हमारा ये 5.2 खत्म, अब हम मिलते हैं कल फिर से इसी क्लास में, ठीक है? कल फिर मिलेंगे और उसमें हम लोग अपना अगला टॉपिक जो है कवर करेंगे, सम ऑफ एन टर्म। एन टर्म का सम कैसे निकालते हैं, एन टर्म्स हमारे पास है राठौड़ साहब, और उसका हमें सम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल की फिर क्लास में, सम ऑफ एन।